खबर सहरसा से है, जहां अज्ञात अपराधियों के द्वारा 30 वर्षीय सुरेंद्र यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामला दरहरा ओपी क्षेत्र के सतौरा कोयला मंदिर के समीप का है, जहां मकई के खेत से मृतक के गला रेता हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक सुरेंद्र यादव गढ़िया लोहार गांव का रहने वाला था। मृतक के परिजनों की माने तो मृतक दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। एक शादी समारोह में 10 दिन पूर्व गांव आया। इसी दौरान 28 तारीख को घर से अपने पत्नी को बलवाहा जाने की बात कहकर निकला, जबकि एक दिन तक घर नहीं लौटा तो परिजन खोजबीन शुरू कर दिया, जिसके बाद एक शव बरामद होने की सूचना मिली तो मकई के खेत में से शव था, जिसे देखकर पहचान की गई। इस दौरान मृतक की किसी से पुरानी रंजिश से भी परिजनों ने इनकार किया। वहीं सदर अस्पताल सहरसा शव को पोस्टमार्टम कराने पहुंची पुलिस की मानना है तो किसी धारदार हथियार के जख्म का निशान है, जो गला रेत कर हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला? दरारों के अंतर्गत कोयला गांव से दक्षिण मकई खेत में सब बरामद हुआ और उसी का यहाँ पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक घर से 28 तारीख को निकला था, पत्नी को बताया था कि हम बलवाहा जा रहे हैं। लोग काफ़ी खुशबीन किए, कल डेट बदल गया और कोई विशेष बात इसमें नहीं बताया गया। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, आवेदन लेकर के एफ आई आर दर्ज कर अनुसंधान किया गया। हत्या कैसे की गई? लगता है कि वो धारदार हथियार से ही गला रेता गया है। तो आप लोग को कैसे जानकारी मिली जो है कि हत्या हो गई है? क्या है पूरा मामला? कोई आदमी बोले ऐसे ऐसे कोयला के पास एक लाश है, फिर हम लोग सारा आदमी गए वहाँ देखे तो मकई खेत में था ना, फिर दूसरे आदमी ने बताया यहाँ पे है, तब तो जाके देखे। कब निकले थे और क्या करते थे ये? ये बेचारे दिल्ली में रहते थे, 10 दिन पहले घर आए थे, उसके बाद ही बोले पत्नी को जा रहे हैं बलवाहा से आ रहे हैं, इसी के कर्म के बीच में इनका घटना हुआ। 28 तारीख को घर से निकले थे जी, दिल्ली में क्या मजदूरी करते थे जी। ये मतलब किसी से किसी भी तरह का विवाद या क्या लगता है? नहीं, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। किस तरह के लोग थे जिनकी हत्या हुई? गरीब परिवार से। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव शंकर यादव है। मृतक